नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। नाथनगर और बेलहर विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण हुआ संपन्न, प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला EVM में हुआ बंद। विधानसभा उपचुनाव में 43% मतदाताओं ने डाले वोट, 24 अक्टूबर को होगी मतगणना, DM ने दी जानकारी। चुनाव के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, SSP आशीष भारती खुद ले रहे थे मतदान केंद्रों का जायजा। नदी में स्नान करने के दौरान 2 मासूम की डूबने से हुई मौत, सुल्तानगंज के बाद थाना क्षेत्र की है घटना। और चहलुम को लेकर सुन्नी समुदाय के लोगों ने निकाला निशान जुलूस, पारंपरिक हथियारों के साथ युवाओं ने दिखाया कर्तव्य। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में नाथनगर विधानसभा उपचुनाव सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। चुनाव को लेकर 307 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहीं नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में लगभग 43% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान शुरू होने से पूर्व कई मतदान केंद्रों से EVM, VVPAT और CU में खराबी की सूचना मिली, जिसे 1 घंटे के भीतर दुरुस्त कर लिया गया और सभी बूथों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं भागलपुर के नाथनगर, सबौर और जगदीशपुर प्रखंड के मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह देखा गया। सखी मतदान केंद्र, आदर्श मतदान केंद्र और दिव्यांग मतदान केंद्र पर निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी। लोकतंत्र के महापर्व में सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग निष्पक्ष, निर्विक और स्वच्छ वातावरण में करें, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सुबह से ही सक्रिय दिखे। DM प्रणब कुमार और SSP आशीष भारती समेत कई वरीय अधिकारी मतदान केंद्रों का जायजा लेते नजर आए। वहीं दियारा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो गया, इसके लिए घुड़सवार दस्ता विशेष निगरानी कर रहे थे। कई मतदाताओं और वोटरों ने नाव पर बैठकर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। वहीं बेलहर विधानसभा उपचुनाव बेलहर प्रखंड क्षेत्र में सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। EVM एवं VVPAT मशीन के खराब होने के कारण 1 दर्जन स्थान पर मतदान 1 से 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ, जिसके कारण मतदाताओं को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा अधिक देखी गई। सोमवार को हुए उपचुनाव में 4 प्रत्याशियों का भाग्य EVM में बंद हो गया। नाथनगर विधानसभा चुनाव में लगभग 43% मतदान हुआ। चुनाव शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न हो गया। चुनाव को लेकर DM प्रणब कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव के दौरान कुछ जगहों पर EVM एवं VVPAT में खराबी आई थी, जिसे तुरंत दुरुस्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि सभी EVM को स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया गया है। DM ने बताया कि 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहायक जिलाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, DPRO बिंदुसार मंडल मौजूद थे। खासकर जो मैंने बताया था, जैसा कि फाइनल फिगर आप 9 बजे तक फाइनल फिगर ले पाएंगे, उस समय तक एग्जैक्ट हमारे पास डाटा आ जाएगा। ये 100% बूथ्स का डाटा नहीं है, तो इसमें कुछ 1% ऊपर नीचे हो सकता है, तो फाइनल फिगर आपको 9 बजे उपलब्ध करा दिया। बांका समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुंदन कुमार एवं बांका SP अरविंद कुमार गुप्ता ने सोमवार को बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बेलहर विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न हो गया। नक्सली क्षेत्र होने के कारण मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया था। अंतिम मतदान के बाद लगभग 54% मतदान हुआ। एक्चुअल वास्तविक मतदान के पूर्व लॉकडाउन के समय कुल PU जो रिप्लेस किए गए वो 17, CU रिप्लेस किए गए 3 और VVPAT रिप्लेस किए गए 10। इसके साथ ही वास्तविक मतदान के समय PU रिप्लेस किए गए 2, CU रिप्लेस किए गए 2 और VVPAT 4। इस प्रकार बहुत ही शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष माहौल में आप सभी लोगों को भी बहुत धन्यवाद। एक बार आप लोगों ने टीम को और जितने भी मतदाता हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में देश का महा त्यौहार है, उसमें
नाथनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बीएमपी, जिला पुलिस बल और होमगार्ड के जवान के साथ काफी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी में लगाया गया था। मतदान केंद्र पर सुरक्षा कर्मी पहले मतदाताओं के मतदान पर्ची और आईडी प्रूफ की जाँच कर रहे थे। इसके बाद मतदाताओं को बूथ पर प्रवेश कराया जा रहा था। वहीं एसएसपी आशीष भारती, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज समेत कई पुलिस अधिकारी मतदान केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते दिखे। दियारा क्षेत्र में बूथ कैप्चरिंग की घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से घुड़सवार दस्ते की तैनाती की गई थी। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि उपचुनाव में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं शाजंगी के पंचायत भवन के ठीक सामने बूथ संख्या 101 और 58 के बाहर। यहाँ मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और यह जो मतदान केंद्र है मुस्लिम बहुल मतदान केंद्र है और यहाँ मतदाताओं की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। मतदाता सुबह से ही काफ़ी उत्साहित होकर मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं और जब हमारे यहाँ महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज चेहल्लुम का त्यौहार है लेकिन चेहल्लुम के त्यौहार के बीच भी वो अपने घरेलू काम काज को निपटा करके वोट डालने के लिए वोट का जो महत्व है उसको समझते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है मतदान केंद्र के बाहर और मतदाता काफ़ी उत्साहित है। मतदाताओं का कहना है कि पर्व त्यौहार बार बार आता है लेकिन वोट का जो मौका है उसे वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, चूकना नहीं चाहते हैं और अपने मतदान का प्रयोग करके जो कर्मठ प्रत्याशी हैं, जो विकास करने वाले क्षेत्र का प्रत्याशी हैं उसका वो चुनाव करेंगे और इसी के साथ आज लगभग 3,16,000 मतदाता 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। और अगर साथ ही साथ सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। एसएसपी आशीष भारती स्वयं मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और सख्त दिशा निर्देश दे रहे हैं। एसएसपी से जब हमारी बात हुई आशीष भारती से तो उन्होंने कहा कि जो दियारा क्षेत्र है उसमें सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ महिला पुलिस बलों को लगाया गया है और जो रैफ की टुकड़ी है उसे भी लगाया गया है। दियारा क्षेत्र जो है तो उसमें घुड़सवारी से जो मतदान केंद्र है उसके इर्द गिर्द सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। डीएम प्रणव कुमार स्वयं कई मतदान केंद्रों पर, सखी मतदान केंद्र, आदर्श मतदान केंद्र और भी कई केंद्र जो बनाए गए हैं वोटरों के लिए मतदान डालने के लिए उस पर जा रहे हैं और देख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें नाथनगर विधानसभा उपचुनाव की तो सभी प्रत्याशियों ने जोर लगा दी थी। कई प्रत्याशियों के पक्ष में दिग्गज नेता भागलपुर पहुंचे थे और उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार किया था। और अगर इस बार बात करें तो भागलपुर नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। एक तरफ राजद प्रत्याशी जोर लगाए हुए हैं तो दूसरी तरफ जदयू जोर लगाए हुए और तीसरी जो वोट है तो निर्दलीय प्रत्याशी और गंगोता समाज के लोग भी, यानी कि इस तरीके से मुकाबला है कि त्रिकोणीय मुकाबला भागलपुर में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन सुमित कुमार के। भागलपुर के बाद थाना क्षेत्र में नदी में नहाने के दौरान दो मासूम की डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्चों की पहचान पसराहा निवासी सीताराम दास के 10 वर्षीय पुत्र धनंजय कुमार और वकील दास के 11 वर्षीय पुत्री बबली कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोमवार को दोनों बच्चे नदी में नहाने गए थे, इसी दौरान दोनों का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चले गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चों को नदी से बाहर निकाला गया लेकिन दोनों की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बाद थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने दोनों बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक बच्चों के परिजनों में कोहराम मच। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर पीवीवाई आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजीशन पाएं फिर रजिस्ट्री कराएं।
30 फीट चौड़ी सड़क नाली 24 घंटे बिजली पार्किंग जिम हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7709098948210975767635429315254 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चेहल्लूम के अवसर पर भागलपुर के विभिन्न मुस्लिम इलाकों से अखाड़ा जुलूस निकाला गया। वहीं अखाड़ा जुलूस में शामिल युवाओं ने परंपरागत हथियारों से जमकर कर्तव्य दिखाया। सुन्नी समुदाय के लोगों ने निशान के साथ अखाड़ा निकाला, जो विभिन्न मार्ग होते हुए देर रात साजंगी के मेला मैदान पहुंचा। इसके बाद फातिया खानी के साथ शांतिपूर्ण माहौल में सुन्नी समुदाय का पहलाम साजंगी में संपन्न हो गया। हम आपको बता दें कि रविवार को भागलपुर में शिया समुदाय के लोगों ने मातमी जुलूस निकालकर पहलाम किया था। आइए हम आपको दिखाते हैं चेहल्लूम के मौके पर निकाले गए अखाड़ा और निशान जुलूस की कुछ झलकियां। मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सोमवार को कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया और धरना पर बैठ गए। दरअसल बीते मंगलवार को रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने सहायक राजीव कुमार को अपशब्द कह दिया था, जिसके बाद सहायक राजीव कुमार ने कुलपति प्रोफेसर AK राय से इसकी लिखित शिकायत की थी। इसके बाद सहायक राजीव के पक्ष में सभी कर्मी एकजुट हो गए और कुल सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मी राजीव का कहना है कि रजिस्ट्रार बराबर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वहीं रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कर्मी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बुनियाद और निराधार बताते हुए कहा कि कुछ कर्मचारी जानबूझकर मामले को तुल देने में लगे हैं। वहीं कर्मचारियों ने कुल सचिव पर कई आरोप लगाते हुए कुलपति से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। सर, वो तो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं गाली गलम का कि एक कर्मचारी आत्महत्या करने पर तुला हुआ है। नहीं, मैं ये सब जानकारी नहीं है मुझे, और कोई गाली गलौज नहीं होता है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी में गाली गलौज नहीं होता है। रोटरी विक्रमशिला पिंक की ओर से सोमवार को देवी बाबू धर्मशाला में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में DPS स्कूल, ओपन माइंड बिरला स्कूल, कार्मेल स्कूल समेत कई स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रीति शेखर ने सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ज्योत्सना कुमारी और सुरभि प्रिया, द्वितीय स्थान लाडली प्रिया और कुमकुम कुमारी, और तृतीय स्थान माही पांडे और खुशी कुमारी ने प्राप्त किया। इस मौके पर अध्यक्ष किरण गोस्वामी, पूर्व अध्यक्ष चंदना चौधरी, सचिव मोनिका महेश का, उपाध्यक्ष मृदुला घोष, कोषाध्यक्ष बबीता शाह, अनिता अनवर, गिरजा प्रसाद समेत क्लब के कई सदस्य मौजूद थे। भागलपुर के भिकनपुर स्थित त्रिमूर्ति चौक के समीप सोमवार को पूर्वी चंपारण मीट हाउस का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन मेयर सीमा शाह, भाजपा नेता बंटी यादव, अश्वनी जोशी मोंटी और दुकान के संचालक अभिषेक कुमार काकू एवं तेज प्रताप सिंह ने फीता काट कर किया। इस दौरान मेयर एवं भाजपा नेता ने पूरे दुकान का घूम घूम कर निरीक्षण किया और संचालक को शहर में बेहतर सेवा देने के लिए शुभकामना दी। वहीं संचालक अभिषेक कुमार काकू ने कहा कि ग्राहकों को बेहतर स्वाद एवं सेवा प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये पूर्वी चंपारण मीट हाउस प्योर मोतिहारी और उधर पूर्वी चंपारण में ये बहुत प्रसिद्ध है। इसका टेस्ट प्योर देसी घर वाला है, जो आपको मोतिहारी में जयपाल होटल का जो है वहाँ पर काफ़ी पुराना होटल है, जो मटन स्टोर मटन हांडी हांडी में मटन बनता है, वो हम लोग यहाँ पे लेके आए। मेरा भी घर वहीं पर पड़ता है, तो हम लोग ये और यहाँ भागल
किस्म के लोगों को प्योर देसी टेस्ट और बिल्कुल हाइजीनिक पाचन में बहुत आसानी से पच जाता है और कोई शरीर में कोई तकलीफ अंदर नहीं जाया करता है। इसका मसाला जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बहुत कम और बहुत अच्छा है। आपका परिचय? एक बता दी क्या मैं का होना चाहता हूँ या कस्टमर को क्या सुविधा मिलेगा? कस्टमर को कम दाम में एसी हॉल में सोफा में बैठ कर मिनिमम रेट में चिकन चावल मटन चावल अपना चावल अपना मटन की सुविधा घर का देसी देसी टेस्ट। जैसे मान लीजिए चाइनीज़ रेस्टोरेंट में मटन चिकन का एक चाइनीज़ टेस्ट आता है, हम लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब कि देसी टेस्ट है। पूर्वी चंपारण जैसे पूर्वी चंपारण में ये प्रचलित है इसलिए हम लोग नाम पूर्वी चंपारण दिए, जिसमें मोतिहारी बेतिया रक्सौल ये सब आता है, चकिया ये सब जगह आता है, टाइगर भी वहीं की है और देसी टेस्ट दिया जाए। और दूसरी बात है कि कस्टमर को थोड़ा हाइजेनिक टेस्ट दिया जाए जिसमें तेल का पाचन अच्छा हो, हम ऐसे मसाला का यूज़ कर रहे हैं कस्टमर को डाइजेस्ट होने में ठीक रहे, ज़्यादा मन भरी ना पड़ना, तो ये इस पर विशेष ध्यान दिया। मैक्सिमम प्राइस क्या होगा इसका? मैक्सिमम प्राइस आपका एक केजी का है, एक केजी से केजी के हिसाब से है 850 रुपये केजी है और पर पीस के हिसाब से एक थाली है, बाकी कबाब का आइटम है, सिर्फ नॉनवेज के स्पेशल आइटम दिया गया। आपका परिचय? जी मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, अभिषेक कुमार था इस रेस्टोरेंट के ऑनर, ये मेरे पार्टनर साथ हैं। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्ट्रा ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। नाथनगर और बेलहर विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण हुआ संपन्न, प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में हुआ बंद। विधानसभा उपचुनाव में 43% मतदाताओं ने डाले वोट, 24 अक्टूबर को होगी मतगणना, डीएम ने दी जानकारी। चुनाव के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, एसएसपी आशीष भारती खुद ले रहे थे मतदान केंद्रों का जायजा। नदी में स्नान करने के दौरान 2 मासूम की डूबने से हुई मौत, सुल्तानगंज के बाद थाना क्षेत्र की है घटना। और चहलुम को लेकर सुन्नी समुदाय के लोगों ने निकाला निशान जुलूस, पारंपरिक हथियारों के साथ युवाओं ने दिखाया कर्तव्य। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।